Your next challenger has been determined, and I thought there is no better time to introduce him than right now. WWE Hall of Famer, one of the baddest men to ever walk the eyes of the Universal Champion. I acknowledge you. As my next victim. You. Me. For the Universal Championship, you're next. दोस्तों, लेटेस्ट रूमर्स के अनुसार गोल्डबर्ग एक फाइनल मैच के लिए WWE में रिटर्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को याद है, WWE में गोल्डबर्ग का लास्ट मैच 2022 में एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस के खिलाफ था। हाल ही में एक इंटरव्यू में गोल्डबर्ग ने कहा कि रोमन रेंस के खिलाफ मैच से कुछ दिन पहले वह कोविड पॉजिटिव हो गए थे, फिर भी वह जल्द ही ठीक हो गया और फाइट किया। गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि उन्होंने यह सब इसलिए किया क्योंकि विंस मैकमहन ने उन्हें रेसलमेनिया 38 में रिटायरमेंट मैच देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में मैच के बाद विंस मैकमहन ने अपनी प्रॉमिस नहीं रखी और इस बात को 2 साल हो गए है। इंटरव्यू में गोल्डबर्ग ने यह भी कहा कि WWE ने कम से कम 1 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। अब चूंकि विंस मैकमहन WWE से रिटायर हो चुके हैं और ट्रिपल एच मेन कंटेंट ऑफिसर है, इसलिए वह गोल्डबर्ग को एक लास्ट मैच दे सकते हैं। साथ ही द रॉक अब टीकियो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है, इसलिए वह गोल्डबर्ग को वापस ला सकते हैं क्योंकि वे अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।